गुड आफ्टरनून माई सेल्फ चंदन मौर्य आई एम स्टार्टिंग टुडे टॉपिक्स प्रोग्रेसिव लेंसेस प्रोग्रेसिव लेंसेज व्हाट इज द प्रोग्रेसिव लेंसेस आइए आज हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्रेसिव लेंसेज मल्टीफोकल लेंस में आपने बाईफोकल लेंस और ट्राईफोकल लेंस के बारे में पढ़ा उसके बाद अब हम चालू करते हैं प्रोग्रेसिव लेंस क्या होता है चलिए प्रोग्रेसिव लेंस के बारे में पहले नोट कर लीजिए दीज लेंसेस प्रोवाइड विजन फॉर नियर, इंटरमीडिएट एंड डिस्टेंस विदाउट विजुअल लाइन एंड सपोर्टिंग डिफरेंट पावर जोन चलिए इसको पहले देखिए दीज लेंसेज प्रोवाइड विजन फॉर नियर, इंटरमीडिएट एंड डिस्टेंस यानी ये लेंस आपका क्या होता है ये प्रोग्रेसिव में क्या होता लेंसेज में क्या होते हैं इसमें नियर, डिस्टेंस और इंटरमीडिएट होते हैं ठीक है इसमें क्या होता है बस वही फोकल की तरह और की तरह ही होता है बस क्या होता है कि विदाउट विजुअल लाइन उस पर लाइनिंग की तरह दिखता है लेकिन इस पर लाइनिंग की तरह नहीं दिखता है ये होता है प्रोग्रेसिव लेंस बहुत से लोग होते हैं जैसे कुछ यंग लोग होते हैं जिसको एडिशन नंबर लगने लगता है तो वो लोग कहते हैं कि लाइन ना दिखने पाए तो वो लोग प्रोग्रेसिव लेंस पहनते हैं जिससे किसी को पता नहीं चलता है कि ये नज़दीक का भी नंबर लगाते हैं चलिए आगे आपको बताते हैं प्रोग्रेसिव लेंस में आगे नोट करिए ऑप्टिकल जंप आर आल्सो अब्सेंट इन आल प्रोग्रेसिव लेंसेस बट हैव लोअर सर्टेन अमाउंट ऑफ अस्टिमेटिज्म वन लेटरल एंड बीविंग इज़ डन दिस इज ड्यू टू स्फेरिकल करवेचर इसमें क्या है आइए देखते हैं आप्टिकल जंप आर आल्सो अपसेंट यानी आप्टिकल जंप जो होता है वो पूरी तरह आपका क्या होता है अपसेंट होता है इन आल प्रोग्रेसिव लेंसेज जो भी प्रोग्रेसिव लेंस पाए जाते हैं उसमें आपका ऑप्टिकल जंप नहीं पाया जाता है बट हैव लोअर सर्टेन अमाउंट ऑफ अस्टिगमेटिज़्म यानी इसमें थोड़ी सी मात्रा में आपका क्या होता है अस्टिगमेटिज़्म पाया जाता है वन लेटरल एंड नेजल व्यूइंग यानी जब हम लेटरल या फिर नेज़ल की तरफ देखते हैं तब हमें क्या होता है अस्टिगमेटिज़्म पाया जाता है दिस इज़ ड्यू टू स्फेरिकल कर्वेचर ये किस वजह से होता है ए स्फेरिकल यानी जो उसका कर्वेचर बनाया जाता है उसकी वजह से होता है चलिए आगे नोट करिए प्रोग्रेसिव इस्पेक्टिकल लेंसेज आर आल्सो नोन एज प्रोग्रेसिव एडिशनल लेंसेस ब्रैकेट में आप लिख लीजिए पाल यानी आप देखिए प्रोग्रेसिव इस्पेक्टिकल लेंसेज आर आल्सो नोन एज यानी इसको और किस नाम से जाना जाता है इसको प्रोग्रेसिव एडिशनल लेंस के भी नाम से जाना जाता है प्रोग्रेसिव पावर लेंसेज वेरीफोकल और मल्टीफोकल लेंसेज यूज इन प्रेसबायोपिया एंड अदर अकोमोडेशन चलिए इसको देखिए प्रोग्रेसिव पावर लेंसेज फोकल आर मल्टीफोकल प्रोग्रेसिव में क्या होता है वेरी फोकल होते हैं या फिर मल्टीफोकल लेंसेज होते हैं जो आपका किसमें यूज होता है प्रिस्बायोपिया में यूज होता है या फिर कोई अकोमोडेशन डिसऑर्डर हो तब यूज किया जाता है आगे लिखिए नोट करिए दे आर कैरेक्टराइज बाई ग्रेजुअली पावर इनक्रीज एट डिस्टेंस प्रिस्क्रिप्सन ऐट द टॉप ऑफ द लेंस देखिए इसमें क्या है दे आर करेक्टराइज इसको करेक्टराइज किया जाता है तो ग्रेजुअली पावर इंक्रीज यानी इसमें क्या होता है धीरे धीरे पावर क्या होते हैं बढ़ते हैं ऐट डिस्टेंस प्रिस्क्रिप्सन यानी जो डिस्टेंस वाला होता है टॉप में पाया जाता है ऊपर की तरफ होता है उसमें क्या होता है नंबर बढ़ते हैं एंड रिच ए मैक्सिमम एडिशन पावर आर द फुल रीडिंग एडिशन एट द बॉटम ऑफ द लेंस और उसके बाद वो कहाँ पहुँच जाता है नियर का रिच मैक्सिमम एडिशन यानी कि अधिक से ज़्यादा पूरी तरह से आपका जो अधिक से अधिक नंबर लगता है एडिशन का उस पर पहुँच जाता है टू बॉटम ऑफ द लेंस जो बॉटम यानी आपका जो नीचे होता है वो अधिक से अधिक पूरी तरह से पहुंच जाता है आपका नंबर जैसे माना जाता है क्या माना तीन नंबर से ज़्यादा नहीं लगता है नियर में आपका तीन नंबर से ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कराया जाता है उसमें नहीं होता है तो वही आपका तीन नंबर तक तक आ जाते हैं आइए इसके प्रोग्रेसिव लेंस के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में देखते हैं क्या होता है एडवांटेज और डिसएडवांटेज उसके बारे में हम बताते हैं नोट करिए एडवांटेज एडवांटेज देखिए प्रोग्रेसिव एडिशनल डिवाइस अवाइड द आप्टिकल जम्प यानी कि ये आपको पहले ही बता दिया गया है प्रोग्रेसिव एडिशनल डिवाइस अवाइड द आप्टिकल जंप इन द विजुअल फील्ड प्रोग्रेसिव एडिशनल लेंसेज आर मोर यूथफुल बिकॉज द सिंगल विजन लेंसेज एसोसिएटेड विथ यंगर वियरर आर फ्री आप सेगमेंट और लाइन ऑन द सरफेस हमने इसके पहले भी आपको बताया कि इसमें क्या है ये ऑप्टिकल जंप नहीं होता है पाल डिवाइस अवॉइड द ऑप्टिकल जंप यानी कि प्रोग्रेसिव एडिशनल लेंस में आपका क्या होता है ये अवॉइड करते हैं ऑप्टिकल जंप में इन विजुअल फील्ड जो विजुअल फील्ड होता है प्रोग्रेसिव एडिशनल लेंसेज आर मोर यूथफुल प्रोग्रेसिव एडिशनल लेंथ जो है आपका ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपका क्या होता है फायदेमंद होता है क्यों होता है बिकॉज द सिंगल विजन क्योंकि इसमें क्या होता है सिंगल विजन की तरह दिखाई देता है सिंगल विजन वियर आर फ्री आप सेगमेंट और इसमें क्या होता है इस किस तरह फायदेमंद होता है कि बहुत से लोग होते हैं दूर का अलग बनवाते हैं नदी का अलग चश्मा बनाते हैं इसी वजह से जो लाइनिंग आ जाती है इसी की वजह से लेकिन इसमें आपका पता नहीं चलता है एक ही लाइन होता है एक ही सरफेस पे इसीलिए ये बहुत ज़्यादा एडवांटेज इसके हैं चलिए डिसएडवांटेज क्या होते हैं डिस्टारसन प्रोग्रेसिव एडिशनल लेंसेज सफ़र द डिसएडवांटेज ऑफ द पावर प्रोग्रेशन क्रिएटिंग एब्रेजन एंड ब्लरिंग ब्लरिंगर्स कॉस्ट ऑफ प्रोग्रेसिव लेंसेज आर जनरली हाइयर द बाई ड्यू टू इंक्रीज मैन्युफैक्चर एंड प्रोफेशनल सर्विस कॉस्ट. चलिए देखिए इसमें क्या है डिस्टारसन होता है यानी कि इमेज सही से बनता नहीं है आपका प्रोग्रेसिव एडिशनल लेंस सफ़र द डिसएडवांटेज यानी कि इसमें प्रोग्रेसिव एडिशनल लेंस का डिसएडवांटेज क्या होता है पावर प्रोग्रेशन क्रिएटिंग एब्रेजन यानी इसमें एब्रेजन यानी कमियां आने लगती हैं जब हम किसी इमेज को देखते हैं और ब्लरिंग यानी धुंधला हमें दिखाई देता है और इसमें क्या होता है कास्ट ऑफ प्रोग्रेसिव लेंसेस यानी कि ये ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या होते हैं महंगे होते हैं प्रोग्रेसन लेंसेज जो है आपके महंगे होते हैं और जनरली हाइयर द बाईफोकल ड्यू टू इंक्रीज क्योंकि इसमें बाईफल्स यानी एक दूसरे से जुड़े होते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ती है जो प्रोफेशनल सर्विस में होती है चलिए ये आपका ख़त्म हुआ अब इसमें एक और देख लीजिए आर्थोस्कोपिक लेंस क्या होते हैं हेडिंग डाल दीजिए आर्थोस्कोपिक लेंस द आर्थोस्कोपिक टर्म इज डिस्क्राइब्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओफ्लाक राइट लेंस गिव इमेज मोर फ्री फ्रॉम डिस्टॉर्सन देन अदर लेंसेस आर्थोस्कोपिक लेंसेेज इज ए टाइप ऑफ प्रिज्मो प्रिज्मोस्फेयर द आर्थोस्कोपिक लेंसेेज इज एन अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ टू एक््रोमेटिक लेंसेेस रिप्लेस्ड बाई एन इंटरवल इट इज कम्पोज ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज सेगमेंट विथ कनाडा बालसम चलिए आर्थोस्कोपिक लेंस के बारे में हम बताते हैं आपको आर्थोस्कोपिक लेंस क्या होता है देखिए द आर्थोस्कोपिक टर्म इज डिस्क्राइब्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड यानी आर्थोस्कोपिक जो नाम दिया गया है वो कहाँ से दिया गया था ग्रीक वर्ड से ओफ्लाक राइट से लिया गया है लेंस गिव इमेज मोर फ्री फ्रॉम डिस्टारसन इसमें क्या होता है डिस्टारसन नहीं होता है देन अदर लेंसेज जो और लेंसेज होते हैं उसमें डिस्टारसन होता है इसमें कम बहुत पाया जाता है आर्थोस्कोपिक लेंसेज इज ए टाइप ऑफ प्रिज्मो आर्थोस्कोपिक लेंस एक प्रकार का प्रिज्म और इस्फेयर से मिलके बना होता है द आर्थोस्कोपिक लेंसेज इज एन अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ टू एकोमैटिक लेंसेस आर्थोस्कोपिक लेंस का अरेंजमेंट जो होता है दो एकोमैटिक लेंस से मिला के बनाया जाता है कैसे बनाया जाता है देखिए रिप्लेसड बाई एन इंटरवल इट इज कंपोज ऑफ कानकेब एंड कानवेक्स लेंसेज यानी इसमें कॉन्वेक्स और कानकेब लेंस को मिला कर के बनाया जाता है और इसका सेगमेंट किससे जोड़ा जाता है कनाडा बालसम कनाडा बालसम से इसका सेगमेंट जो है जॉइन किया जाता है ये होते हैं आर्थोस्कोपिक लेंस फिगर भी देख लीजिए आप इसमें आपका एक कानकेव है कानवेक्स है ये आप ये हैं आर्थोस्कोपिक लेंस तो आज की टॉपिक यहीं पे ख़त्म होती है बाकी आगे टॉपिक जो कल पढ़ाया जाएगा आज यहाँ पे आपका मल्टीफोकल लेंस समाप्त हुआ बाक़ी कल पढ़ाया जाएगा आप लोग इसको रिवीजन करते रहिए एक एक करके पढ़िए और उसको नोट करिए नोट बनाते जाइए तब जाके आपको समझ में आएगा नहीं तो ऐसे वीडियो देख करके छोड़ देंगे फिर भूल जाएंगे आप उसको नोट्स भी बनाते जाइए तब जाके समझ में आएगा आज के लिए इतना